एसपी सिटी सोनम कुमार को जनपद गोरखपुर से एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर शुक्रवार को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडस सहित जिले के सभी अधिकारी व पुलिस कर्मियों ने एसपी सिटी सोनम कुमार को गोरखपुर में अपना अतुलनीय योगदान दिए जाने के उपलक्ष्य में बधाई व उपहार देकर पदभार ग्रहण करने के लिए शुभकामना और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि एसपी सिटी सोनम कुमार को एसपी संत कबीर नगर बनाए जाने पर विदाई कार्यक्रम किया गया। उनको नए पदभार ग्रहण करने के लिए सभी अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, सीओ कैन श्याम देवबिंद, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ रत्नेश कुमार सिंह, प्रशिक्षु सीओ प्रशाली गंगवार, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, रास्ता लग गया से राहुल इंस्पेक्टर डीआईजी सर, एसएसपी सर, एसपी लीगल ऑफिसर्स और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मैं श्री सोनम सिंह, एसपी सिटी गोरखपुर, जो अब एसपी संत कबीर नगर के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, के फेयरवेल पे आप सभी को आमंत्रित करते हैं। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है। सर ने लखनऊ, गोरखपुर जैसे चुनौतीपूर्ण जिलों में निष्ठा से व अनुकरणीय कार्य किया। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कार्य करते हुए सर ने डीडीएमएस ऐप, स्विफ्ट ऐप, ई एक्शंस ऐप, बैरियर चेकिंग ऐप जैसी ऐप्स को डेवलप किया है। उनके पद पर शासन द्वारा नियुक्ति की गई दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को जनपद में आगमन किया। पुलिस अधीक्षक लाइन के पद पर नियुक्त होकर नगर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर रहते हुए नगर क्षेत्र में घटित घटनाओं, लूट, डकैती, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को सफल अनावरण किया। अभ्यस्त अपराधियों का गुंडा, गैंगस्टर, एचएस एवं जिला बदर एवं संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही कराई गई। वीआईपी सेल के नोडल रहते हुए महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य के जनपद गोरखपुर के आगमन एवं भ्रमण कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराया। कानून व्यवस्था, बीट पुलिसिंग एवं डीडीआईपी ड्यूटी के सुदृढ़ क्रियान्वयन हेतु डीडीएमएस बैरियर चेकिंग एवं स्विफ्ट ऐप बनाकर जनपद गोरखपुर में क्रियान्वयन कराया। वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 को निष्पक्ष एवं सकुशल संपादित कराया। गैर जनपद से आने वाले सुरक्षा बल के ड्यूटी स्थल पर आसानी से पहुंचने हेतु ई बुकलेट बनाया। धन्यवाद। मैं एसपी सिटी महोदय के गनर या स्क्वाड और मीडिया बंधु, वैसे तो सर जिले में जब से हैं मैं उससे पहले से हूँ तो सर को तब से जानता हूँ, लेकिन सर के सामने में काम करने का अवसर मुझे पिछले 6.5 महीने से मिला है, जिससे मैं कैंट आया हूँ। उसके पहले डायरेक्ट सर के पर्यवेक्षण में काम करने का अवसर नहीं मिला था। पिछले 6.5 महीने से सर को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानना समझा, उनके काम कार्य करने के तरीकों को समझा। सर से जो एक बहुत बड़ी सीख मिली कि पुलिसिंग में बहुत पूर्ण रहते हुए बिना गुस्सा किए हुए भी कार्य कराया जा सकता है। ऊपर से चाहे जितना कार्य करने का या घटनाओं को वर्कआउट करने का अधिकारियों का दबाव रहा हो सर के ऊपर, लेकिन हम लोगों से बड़े कूल तरीके से सर ने काम कराया, कभी गुस्सा नहीं किया और काम सब लगभग लगभग होते गए। घटनाएं भी एक दो छोड़ के वर्कआउट सारी होती गई और अपराधी भी सब जेल जा रहे हैं शहर क्षेत्र से। कृपया रिपीट करते हैं।
श्रीमान एसपी नाइन सर, एसपी सर को प्रदान करें। जी आज हमारे एसपी सिटी सोनम कुमार जी जो अब एसपी संत कबीर नगर के पद पर नियुक्त हुए हैं, उनकी आज विदाई कार्यक्रम हमने पुलिस लाइन में रखा है और उनको शुभकामनाओं सहित अपने नए पदभार को ग्रहण करने के लिए हमने शुभकामनाएं दी हैं और रवाना किया है। उम्मीद है अच्छा कार्य करेंगे और उनका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।